नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बेसिक केमिस्ट्री का अगला पार्ट लेकर एक बार फिर थॉर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके लिए हाजिर हैं। और यहां पर हम रिमेनिंग पार्ट कर रहे हैं, बचा हुआ भाग किसका, सार्थक अंकों का। तो सार्थक अंकों का जो बचा हुआ भाग है बेटा, देखो अगला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन की दृष्टि से। कैसे, अगला नियम हम पढ़ते हैं जोड़ बाकी का नियम। जोड़ बाकी का नियम, ठीक है, रूल ऑफ सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन, ठीक है। जोड़ और बाकी के नियम को हम पढ़ रहे हैं, क्या होता है इसमें। तो देखो एक छोटा सा पॉइंट लिख रहा हूं, हर बच्चा ध्यान देना बेटा, एक छोटा सा पॉइंट सबके लिए। इसमें तुम्हें केवल एक चीज पॉइंट नोट आउट करनी है, दशमलव। पॉइंट जानते हो दशमलव, दशमलव के बाद न्यूनतम संख्या लेनी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद न्यूनतम, न्यूनतम अंक लेने हैं, लेने हैं। दशमलव के बाद आपको न्यूनतम अंक लेने, एक बात। दूसरी बात, इसी में तुम्हारे एक नियम काम आएगा बेटा, राउंडिंग ऑफ का नियम, ठीक है, उसको पूरा करने का नियम। तो उसको बोलते हैं हम राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ का नियम, राउंडिंग ऑफ का नियम। और ये हर बच्चा फिर ध्यान से देख ले, क्योंकि जब तुम जोड़ बाकी करोगे तो उसमें तुम्हारा राउंडिंग ऑफ का नियम भी काम आएगा। तो देखो हम अगली बात करते हैं इससे रिलेटेड, सुनना। राउंडिंग ऑफ के नियम में कौन सा आपके पास पहला नियम कौन सा है। जैसे मैंने तुम्हें एक संख्या से मैं समझा देता हूं आपको, जैसे आपने कहा 5, 6, 7, 8, एक संख्या तो ये दे दी बेटा। नेक्स्ट दूसरी संख्या आपको ये दे दी, वापस देखो 5, 6, 7 और यहां दे दिया तुम्हें 4। मैंने कहा जो राशि मैंने तुम्हें दी है इसका सार्थक अंक 3 है, ठीक है। सार्थक अंक कितना है इसका, 3। सार्थक अंक इस बार तुम्हें पहले दे दिया, सार्थक अंक कितना बेटा पहले से 3 है। और आपसे कहा इसका उत्तर बताओ, 3 सार्थक अंकों में इसका उत्तर क्या होगा। तो देखो सार्थक अंक गिनो, 1, 2, 3, यहीं तक लेना आपको। तो अगला इसमें भी 1, 2, 3 ले लिया। देखो बेटा आपने यहां से कट किया, क्यों कट किया, क्योंकि तुम्हें तो 3 अंक ही लेने हैं यार। इधर भी तुमने यहां से कट किया, जैसे ही तुमने कट किया जरा सोचो जहां से कट किया उससे अगली राशि 5 से बड़ी है या छोटी है। तुम कहोगे सर 5 से बड़ी है, तो बेटा उत्तर में +1 ऐड हो जाएगा, +1 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 5, 6, 7, 7 में +1 कर दो तो उत्तर कितना आ गया तुम्हारा 5, 6 और 8। ये राउंडिंग ऑफ का पहला नियम, जहां से तुम कट करते हो अगर अगली राशि 5 से बड़ी है तो +1, अगली राशि 5 से छोटी है तो क्या होगा, वही आंसर होगा। तो देखो यहां पर 1, 2, 3, अगला यहां से तुमने जैसे ही कट किया, बताओ मुझे ये क्या 5 से बड़ी है, जी नहीं, तो 5 से बड़ी है तो आंसर वही लिखा जाएगा, मींस 5, 6, 7। इन सभी का यूज करूंगा मैं अभी, और अभी तो आपको एक एक एग्जाम्पल देके बताया। अब कोई बच्चा कह दे सर ठीक 5 ही हो, तो देखो यहां से आपका स्टार वर्ण, यदि ठीक 5 ही हो, जहां से कट किया है ठीक 5 ही हो, ठीक 5 ही हो, जैसे एग्जाम्पल वापस यही ले लो 5, 6, 7, 5। अगला 5, 6 यहां दे दिया, सपोज करो मैंने 4, 5, तो अब क्या होगा, तुम्हारी आदत कट करोगे तो यहां से तुमने कट कर दिया, क्योंकि मुझे सार्थक अंक 3 में ही करना है, 3 सार्थक अंक में ही आपको आंसर देना है, ठीक है। तो क्या करोगे यहां पर बोलो, आप कहोगे सर यहां पर 5, 6, 7 है, इसके जस्ट आगे 5 है, तो याद रखना बेटा वो जो तुमने कट किया है अगर उससे पहले देखना कि अगर सम राशि है तब तो वही लिखा जाएगा। तो बताओ 4 सम है या विषम है, तुम कहोगे सर सम है, अगर सम है तो उत्तर फिर वही देना है क्या, 5, 6 और 4। देखो ये 5, 6 और 4 ये रहना है,
बट अगर वो राशि विषम संख्या है तो प्लस एट, वन एट हो जाएगा। क्या आंसर बनेगा? फाइव, सिक्स और सेवन की जगह क्या आ जाएगा? एट आ जाएगा। बोलो, राउंडिंग ऑफ का नियम सबको समझ में आ गया? जोड़ बाकी का नियम मैंने नहीं किया अभी। जोड़ बाकी के नियम में केवल तुम्हें छोटी सी बात समझा के छोड़ी है। एक क्या छोटी सी बात समझा के छोड़ी है कि न्यूनतम अंक लेना है, लेकिन तुम न्यूनतम अंक लोगे वहां से तुम्हें काटना पड़ गया, तो काटना पड़ गया। और वहां कोई अगर रूल लगता है तो उस रूल को आप क्या बोलते हैं? फिर उस रूल को आप बोलते हो राउंडिंग ऑफ का नियम। ठीक है, उस रूल को आप लोग क्या बोलेंगे? राउंडिंग ऑफ का नियम कहते हैं। कैसे? ये वाला रहा राउंडिंग ऑफ का नियम, ये कहलाता आपका राउंडिंग ऑफ का नियम। भाषा में भी आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। बोलो क्या क्या बोलोगे बेटा? जहां से आपका आंसर है, ठीक है, कट किया, कट किए गए, कट किए गए स्थान पर, स्थान पर, कट किए गए स्थान पर यदि, यदि क्या होगा? यदि पांच से ज्यादा है तो प्लस वन होगा, पांच से छोटा है तो वही होगा, वही आंसर, न तो प्लस वन न माइनस वन, कुछ नहीं। ऐसे ही ठीक पांच है, ठीक पांच तो दो बातें जन्म लेती है। क्या? ठीक पांच है तो दो बातें जन्म लेती है, कट किए गए स्थान से जस्ट पहले, ठीक पहले, जस्ट पहले अगर सम संख्या है बेटा तो क्या? नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। परंतु यदि उसके बाद की संख्या आपकी विषम है, जस्ट पहले की संख्या सॉरी क्या है आपके? विषम, तो आप क्या कर दोगे? प्लस वन कर दोगे। बोलो क्लियर है सबको? इधर ये देखो आंसर पढ़े, लैंग्वेज पढ़ी, मैथ पढ़ी है बेटा, और इधर आपके पास भाषा पढ़ी है। क्या लिखा पहला पॉइंट बोलो? कट किए गए स्थान पर पांच से ज्यादा, देखो मैंने यहां से काटा कट, ये तुम्हें एग्जाम में खुद देगा वो। कट करते अगली राशि क्या है बेटा? आठ, पांच से तो ज्यादा है तो एक जुड़ जाएगा, एक जुड़ेगा किसमें? जस्ट पहले वाली राशि में, मतलब जहां से कट किया वहां से जस्ट पहले, तो पांच छह और सात की जगह क्या आ जाएगा? आठ, देख लो पांच छह और आठ। अगला, जहां से तुमने कट मारा, जैसे ही कट मारा अगली राशि क्या है? पांच से छोटी, नो चेंज, तो उत्तर वही फाइव सिक्स सेवन, फाइव सिक्स सेवन, क्लियर। अगला, यदि अब सपोज करो कि तुमने काट डाला यहां से और अगली राशि देखो बेटा पांच है, दिख रहा है सबको? पांच है, उससे जस्ट पहले क्या है? सात, तो विषम संख्या है, विषम संख्या होगी तो बेटा प्लस एक हो जाएगा, तो एक हो गया, तो यह आंसर आ गया। ऐसे ही अगर यहां पर आपके पास सम संख्या, जैसे चार सम संख्या थी, ठीक है, तो आंसर वही रहेगा आपका। ठीक है, यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चले नेक्स्ट पन्ने पर, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट पन्ने पर अब मैं चल रहा हूं आगे, देखो। तो अब हम पढ़ते हैं वापस जोड़ बाकी का नियम, जोड़ और बाकी का नियम। तो जोड़ बाकी के नियम में क्या बताया था बेटा मैंने आपको? जोड़ बाकी के नियम में आपने देखा था, इससे जस्ट पहले देख लो आप, ये पढ़ा दशमलव के बाद आपको न्यूनतम अंक लेना है। तो देखो कैसे करें इस बात को, तो चलो आगे आ जाओ। जैसे मैंने आपको कोई जोड़ बाकी दी 143.142, एक संख्या मैंने दे दी तुम्हें क्या, मान लो सपोज करो 34.12, एक संख्या दे दी बेटा मैंने आपको 14.7, और मैंने कह दिया यूं आंसर दे दिया और बोला उपर्युक्त जो आपको जोड़ बाकी या कोई भी गणना दी गई है, उपयुक्त गणना का सार्थक अंक ज्ञात करो और आंसर भी बताओ। तो क्या उपर्युक्त गणनाक में, उपर्युक्त गणना में सार्थक अंक, सार्थक अंक व उत्तर की पुष्टि कीजिए, उत्तर की पुष्टि कीजिए, मतलब उत्तर आपको बताना है कि क्या उत्तर रहेगा। तो पहले तो जोड़ो भाई, देखो बेटा अब इसको अपन जोड़ते हैं। तो जोड़ने में आपने देखो क्या किया, यहां आपका दो तो दो ही आ गया, यहां चार और दो छह तो छह ही आ गया, सात आठ नौ तो यहां आ गया बेटा नौ, ठीक है, यहां लग गया आपका दशमलव, फिर चार और चार आठ और तीन ग्यारह का एक, हाथ का लग गया एक, फिर चार और एक पांच,
चार और एक पांच और तीन आठ और एक नौ और यहां लग गया एक, यह आ गया। लेकिन क्या मैं आपसे पूछता हूं ये उत्तर है? जी नहीं, ये उत्तर आपका नहीं है। कैसे? मैंने क्या बोला था, जोड़ बाकी में आपको न्यूनतम अंक देखना है। तो देखो बेटा, दशमलव आपको दिख रहा है, ये रहा दशमलव, ये रहा दशमलव, ये रहा दशमलव। दशमलव के बाद कितने संख्याएं हैं? आप कहोगे सर तीन है इसमें, तो इसमें कितनी है बेटा? दो है। इसमें कितनी है? एक। तो न्यूनतम संख्या तुम्हें कितनी रखनी है उत्तर में? एक। तो यहां दशमलव दिख रहा है आपको, ये रहा आपका दशमलव। दशमलव के बाद एक संख्या, मतलब तुम यहां से मारोगे कट। देखो राउंडिंग ऑफ का नियम, जैसे ही तुमने कट मारा बेटा, जहां से कट मारा उससे आगे वाली संख्या कितनी है? छह, जो क्या है? पांच से ज्यादा है। वो क्या है? पांच से ज्यादा। और जब भी पांच से ज्यादा होता है तो क्या होता है आपका? प्लस वन। तो प्लस वन कर दो जस्ट पहले वाले में, तो यहां नौ की जगह कितना हो जाएगा फिर? दस हो जाएगा, ठीक है। या ये जो आपके पास विडंबना आई कि यहां नौ हो रहा है, तो जैसे नौ की जगह दस आ रहा है, पॉइंट बदल रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा छोटा भी ले सकते हो। कि जैसे आपने इसकी जगह कितना ले लिया? सिक्स ले लिया। तो जैसे यहां ले लिया आपने, कितना ले लिया? सिक्स। तो ये हो जाएगा कितना? एट, एट हो जाएगा। तो एट में प्लस वन जोड़ा तो कितना हो गया? नाइन। तो आंसर बन गया आपका 191.9, ये आपका आंसर आ गया। और सात अंक काउंट कर लो कितने? एक दो तीन चार, तो इसमें सार्थक अंक कितने बन गए तुम्हारे? चार। ये आपका जोड़ बाकी का नियम है। अब जैसे यहां पर नौ की जगह दस कर दें, तो पॉइंट के बाद दो संख्याएं आ सकती थी, इसलिए एक बार ये समझ में, हार्ड कैलकुलेशन बाद में करेंगे, इजी कैलकुलेशन ले ली मैंने। तो यहां नौ की जगह सात की जगह आपने क्या कर दिया? छह ले लिया, उससे आठ बन गया, तो आठ में एक जोड़ा तो कितना बन गया? नौ बन गया। क्लियर है बात? एक और अंक ले लेते हैं एग्जाम्पल ऐसा ही, तो देखना नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला अगला एग्जाम्पल क्या होगा तुम्हारे पास। जैसे जोड़ बाकी का ही ले रहा हूं, देखना बेटा, जोड़ बाकी का लिया आपने 37 पॉइंट, ये ले लिया आपने 37.452, एक ले लिया तुमने 4.6 और इनको जोड़ा, सपोज कीजिए इनको जोड़ा, तो जोड़ने से कितना आंसर तुम्हारा बन सकता है? तो देखो आपने इनको जोड़ किया, तो यहां आ गया दो, यहां आ गया आपका पांच, यहां आ गया तुम्हारा जीरो, एक इधर चला गया, ग्यारह और एक बारह, इधर आ गया अपना एक, तो कितना हो गया बेटा? ये 42 पॉइंट इतना। अब मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ देखे उत्तर कितना होगा। तुम कहोगे सर जोड़ बाकी तो है, ठीक है जोड़ ही है, जोड़ के बाद ये आपका दशमलव था, इसमें ये आपका दशमलव था, दशमलव के बाद कितनी संख्या है? तीन। इधर दशमलव के बाद कितनी संख्या? एक। देखो ना इस पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? तीन। और इस पॉइंट के बाद कितनी संख्या? एक। तो आप भी एक संख्या ही लोगे, लोगे एक संख्या। अब देखो जहां से कट किया है वहां तुम्हारे पास क्या आ गया? ठीक पांच, सम विषम कुछ नहीं, आपके पास जीरो आया, तो यही आंसर होगा, ठीक है। तो सार्थक अंक कितने हो गए तुम्हारे पास? पहले तो आंसर लिख लो 42.0, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब इसमें सार्थक अंक कितने बेटा? काउंट कर लो, कल नियम बताया था मैंने, कहा था दशमलव के ठीक पहले आपके पास उल्टे हाथ की तरफ संख्या है तो सभी जीरो सार्थक अंक लिखे जाते हैं। कल का लेक्चर देखिए आप, तो इसमें सार्थक अंक हो गए एक दो और तीन, तो यहां बेटा सार्थक अंक कितने हो गए? तीन हो गए तुम्हारे। चलो एक बाकी का रूल भी बता दे, ठीक है। तो बाकी का रूल क्या होगा आपका? देखो जैसे बाकी करना है तो यहां तीन सात आठ पॉइंट पांच दो और एक हो गया 4.3। मैंने आपसे कहा इसमें सब्सट्रैक्शन कर दो, माइनस कर दो, बाकी कर दो, तो क्या होगा? यहां तो दो ही रहेगा आपका, फिर पांच में से तीन गया तो यहां बच गया आपका कितना? दो। आठ में से चार तो चार, यहां बच गया सात का सात, यहां बच गया तीन। नेक्स्ट बोलो क्या है? बाकी है, तो बाकी में देखो बेटा ये दशमलव तुम्हारा, और दशमलव के बाद कितने हैं आपके पास नंबर्स? टू। यहां पर दशमलव के बाद कितना है? वन। तो क्या बताया था आपको? पॉइंट के जस्ट बाद न्यूनतम संख्या लेनी है, तो ये आपका दशमलव और उसके बाद एक संख्या था, कट कर लो। कट करते अगली राशि क्या पांच से बड़ी है? जी नहीं। तो पांच से बड़ी नहीं है, इसका मतलब नो चेंज। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? आंसर बन जाएगा 374.2, ये, और इसमें सार्थक अंक एक दो तीन और चार,
ये तुम्हारे क्या हो गए, चार सार्थक अंक हो गए। जोड़ बाकी का नियम सबको समझ में आ गया, राउंडिंग ऑफ का नियम सबको समझ में आ गया, अब लेते हैं गुणे और भाग का नियम। तो नेक्स्ट अगला देखिए, अगला अपना गुणा व भाग का नियम, गुणा व भाग का नियम, भाग का नियम। देखो गुणा भाग में क्या है, इसमें दशमलव के बाद नहीं देखना, जोड़ बाकी में ही देखना है कि दशमलव के बाद न्यूनतम संख्या किसमें है। इसमें आप देखते हो जो, जैसे एक एग्जांपल से बात करते हैं, जैसे 14.32 और मैंने कहा इसको इंटू करो आप 2.4 से, ठीक है 2.4 से आपने इसको इंटू करना है। ये ले लिया मैंने 14.32 और 2.4 और मैंने कहा बेटा इसको इंटू करो, या सीधा ही पूछ लिया उपर्युक्त गणना का सार्थक अंक कितना है। बहुत आसान है, तुम्हें सोल ही नहीं करना। कैसे देखो, क्या इसमें कोई बच्चा बताएगा कितने बेटा सार्थक अंक? आप कहोगे 1, 2, 3, 4, इसमें चार सार्थक अंक हो गए। नेक्स्ट में इसमें एक और इसमें दो, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? दो। तो जाहिर सी बात है जो आपका आंसर आएगा उसमें भी सार्थक अंक कितना होगा? दो ही होगा। अब बाकी आप चेक कर लो कैसे होगा, ठीक है। अब जैसे एक गुणा बता देता हूं मैं आपको, यहां हो जाएगा आपका 8, ठीक है, यहां हो गया अपना कितना 8, ये हो गया 4 3 12, फिर हाथ का 1, 4 4 16 और 1 17, ये फिर 1, 4 1 4 और 1 5। नेक्स्ट इनटू, ये हो गया बेटा कितना 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 2, ठीक है। जोड़ो तो यहां हो गया आपका 8 6 7 और 6 13 का 3, हाथ का 1, 8 और 5 13 और 1 14 का 4, फिर हाथ का 1, 2 और 1 कितने हो गए 3। ये बताओ सार्थक अंक कितने तक लेने बेटा? 2 तक लेने, 1 और 2। तो तुमने कट यहां से क्या कट डाला? कट कर डाला। बताओ कट की गई राशि में यहां से आगे वाली राशि क्या 5 से बड़ी है? तुम कहोगे नहीं सर, तो नो चेंज। तो आंसर कितना हो गया आपका? आंसर हो गया 34 और सार्थक अंक कितने निकले? 2, अब भी 2। तो ये बात तो हमने पहले ही बता दी। तो मीन्स गुणा भाग आ जाए या जोड़ बाकी आ जाए तो उसमें सीधा सीधा सिस्टम क्या है आपका? सीधा सिस्टम यही होता है कि जो न्यूनतम होता है वही क्या आपके सार्थक अंक है। एक चीज का और सार्थक अंक देखो, लास्ट पॉइंट है इसका, अगर तुम्हारे पास फिक्स नंबर आ जाए, जैसे आपको कहे 12, जैसे आपसे कहे 15, जैसे एक एग्जांपल से बात करते हैं, चलो देखो एक एग्जांपल लिया आपने 3.78 इंटू 1. यहां हो गया तुम्हारा 1.2 इंटू, यहां दे दिया तुम्हें 6 डिवाइडेड बाई 3.78 2, ये आपको नंबर दे दिया और आपसे सीधा सीधा सवाल किया। इसका क्या सवाल किया गया जरा सुनिए, यहां से तुम्हें सवाल किया गया, यहां से तुम्हें सवाल किया गया ये वाला, क्या उपर्युक्त गणना में, उपयुक्त गणना में सार्थक अंक है, सार्थक अंक है। जैसे ऑप्शन दिया गया तुम्हें, एक ऑप्शन दे दिया आपको 1, एक ऑप्शन दे दिया आपको 2, एक ऑप्शन दे दिया आपको 3, एक ऑप्शन दे दिया आपको 4 और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा उत्तर सही है। तो देखो बच्चा क्या करेगा का मेरे पास तो क्या है बोलो, यहां से देखो बेटा ये इंटू आ गया, ये भी इंटू आ गया, ये तुम्हारा भाग आ गया, आ गया। तो आपके पास गुणा और भाग का नियम है, गुणे और भाग के नियम में तुम क्या देखते हो? अभी कहा था गुणे और भाग के नियम में हम न्यूनतम सार्थक अंक देखते हैं। तो देखो इस संख्या का सार्थक अंक कितना होगा? 1 2 3, तो इसमें सार्थक अंक हो गया 3, इसमें 1 और 1 2, नीचे वाली में 1 2 3 4, ये कितने अंक सार्थक अंक हो गए? 4। इसमें बच्चा कहेगा 1 सार्थक अंक, यही गलत है बेटा, यही नियम मैं आपको बता रहा था स्टार। क्या फिक्स संख्या का 6 10 12 14 ऐसा फिक्स संख्या का सार्थक अंक हमेशा अनंत होता है, उसको आपको गिनना ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपके पास फिक्स डिजिट आती है, फिक्स नंबर,
फिक्स नंबर, उसका सार्थक अंक कितना होगा बेटा? अनंत, उसको काट देना, उसको काउंट नहीं करना। तो इसमें उत्तर देखो, बच्चा अगर सवाल करता है तो सीधा कहेगा सर इसमें तीन, इसमें दो, इसमें चार, इसमें एक, तो उत्तर हो गया एक। यही लग गई चिमनी, बाट लग गई आपकी, माइनस एक हो गया। ठीक है, आपके पास तीन नंबर का क्वेश्चन आता है सीधा 1/3 माइनस हो जाता है उसमें से, या 1/4 माइनस हो सकता है, सीधा हो गया बेटा, क्योंकि बिना सोचे समझे काम किया। फिक्स संख्या का सार्थक अंक हमेशा गोला बना दो, इस पे गोला बना दो, जितने गोले बनाने हैं। ध्यान रखना क्या अनंत होता है, इसको लेना ही नहीं, छोड़ देना इसको। 12 कोई तुम्हें कह दे 12 का सार्थक अंक है अनंत, ठीक है, नेक्स्ट सीधा सीधा। तो इसमें उत्तर क्या मिलेगा अब आपको, ये तो अपने को भूल ही जाना है बेटा। तो अपने पास अब न्यूनतम कौन है, इसका तीन, इसका चार, इसका दो, तो उत्तर क्या होगा, दो मतलब बी। ठीक है, ये कंपटीशन में सवाल बन सकता है हमारा इस टाइप का। बताओ क्या गणना करनी थी, तुम कह रहे हो सर गुणा भाग, कहाँ की यार गुणा भाग, डायरेक्ट आंसर लिखे हैं आपने, तो आ गया समझ। ये हमारा सार्थक अंक पूरा होता हुआ, इससे बाहर कोई रूल नहीं है बेटा। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक इसमें पूरा हो गया। अब मैं दूसरा टॉपिक ले रहा हूं जहां से थ्योरेटिकल सवाल बनता है, ठीक है, रासायनिक संयोग के नियम। तो नेक्स्ट देखना अगला टॉपिक रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम, इंग्लिश में इसको कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, कंपोजिशन, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। देखो बेटा पहला लॉ कौन सा है इसमें, उस बात के लिए हम देखें तो पहला लॉ हमारे पास कौन सा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, पहला द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट, यूं कह सकते हो आप कंजर्वेशन ऑफ मास, ये से बोल दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सीधा सीधा। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो पहले बात तो इस नियम को किसने दिया, तो इस नियम को जो देने वाला साइंटिस्ट था वो था बेटा लेवोसियर। कौन था, लेवोसियर। तो आप कहोगे सर इस नियम को लेवोसियर नाम के वैज्ञानिक ने दिया, क्या बताया, न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या कहोगे, न तो द्रव्यमान को, न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, न तो उसको पैदा कर सकते हैं, न ही उसको मिटा सकते हैं। ठीक है, तो मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, न तो उसको पैदा कर सकते हैं, न उसको मिटा सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो अब लेवोसियर तो इतनी बात बता के भूल गया, वो उसका एक्सपेरिमेंटल क्लू नहीं कर पाया, प्रायोगिक रूप से उसको नहीं समझा पाया कि कैसे। तो फिर एक दूसरा साइंटिस्ट आया और जिसका नाम था लैंडॉर्ट, उसने इसको समझाया। तो देखना बेटा ध्यान से, अगला साइंटिस्ट जो आया वो साइंटिस्ट था आपका कौन सा, लैंडॉर्ट। लैंडॉर्ट नाम के साइंटिस्ट ने इसका प्रायोगिक व्याख्या की। सवाल आ सकता है द्रव्यमान संरक्षण के प्रायोगिक रूप की व्याख्या करने वाला वैज्ञानिक था तो आपका लैंडॉर्ट, द्रव्यमान संरक्षण को खोजने वाला वैज्ञानिक था आप कहोगे लेवोसियर। कैसे खोजा बेटा वो भी देखो, एक इसने एच आकार की नली ली ऐसी ऐसे, ठीक है, ऐसी नली ली उसने ऐसे, ये लो ये नली ले ली, नली लेकर क्या किया बेटा, नली लेकर उसमें कुछ सब्सटेंस उसने भर दिया। तो देखो इधर कुछ पदार्थ भरे उसने ऐसे, और इधर उसने उत्पाद प्राप्त किया, इधर तो लिए उसने अभिकारक, अभिकारक, और इधर बने बेटा क्या, उत्पाद। अब कैसे कैसे अभिक्रिया की, देखो उसने लिया आपके पास सबसे पहले लिया AgNO3 एक तरफ, ये प्लस, उसमें क्या डाल दिया, उसने नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया। इस तरफ उसने लिया
AgNO3, ये वाली दोनों चीजें हैं इधर ली अभिकारक के रूप में, AgNO3 प्लस NaCl, रिएक्ट कराओ बेटा। अगर रिएक्शन में ज्यादा प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को तो देखो ऐसे तोड़ ताड़ के कर लिया करो बेटा, कैसे, जैसे NaCl है ये तोड़ दिया तुमने, जैसे AgNO3 है ये तोड़ दिया बेटा, हो सकता किसी को समस्या हो तो आप सीधा ध्यान रखो। अब हमेशा आगे धातु रखी जाती है तो वो हो जाएगा बेटा प्लस का और ये किसका होगा माइनस का, ये प्लस का और ये किसका होगा माइनस का। अब इसका प्लस क्या उसके माइनस से रिएक्ट नहीं करेगा, करेगा, तो ये क्या बन गया AgCl बन गया और ये बन गया आपका बेटा AgCl प्लस, इन दोनों से क्या बन गया पाना NaNO3 बन गया। अब तुम प्रायोगिक रूप से इस बात को देखना कि दोनों का भार बराबर आएगा, मींस इस छोर पर ये जो आपके पास ट्यूब थी ना बेटा, इधर का भार बराबर उधर का भार आएगा, कैसे देखो। अब Ag सिल्वर का चांदी का जो द्रव्यमान होता है 108, ठीक बेटा, तो इसका आ गया 108 प्लस नाइट्रोजन को सबको पता ही है 14 प्लस ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होता बेटा, तो 16 तिया कितने हो गए 48, तो इसका हो गया 48। ऐसे ही इधर देखो Na का सोडियम का हो गया 23 प्लस क्लोरीन का हो गया बेटा 35.5, दोनों को जोड़ोगे तो आएगा आपका 58.5, ठीक है। चलो जोड़ने वाला सिस्टम अपन दूसरे मार्कर से थोड़ा ले लेते हैं तो अच्छा लगे अपने को, तो देखो बेटा ये यहां पर कौन सा ले, ये ले लीजिए, तो देखो जब तुमने इसको जोड़ा तो जोड़ते ही इसका आंसर आएगा 58.5 प्लस इसका कितना आएगा 48, 48 में 4 जोड़े तो बेटा 52, 52 और 10 कितने हो गए 62, 62 में 8 जोड़ा तो 70, 70 में 100 जोड़ा तो 170, ये आ गया तुम्हारे पास, आ गया। उधर भी जोड़ो, वापस बोलो इधर, नेक्स्ट अपना इसका क्या होगा आपके पास, वापस व्हाइट से इसका हो गया बेटा 108 प्लस क्लोरीन का हो गया 35.5, ठीक है, दोनों को जोड़ा आपने तो दोनों को जोड़ते अभी दूसरे मार्कर से लिखेंगे, इधर इधर सोडियम का हो गया 23 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस इधर हो गया कितना 16 तिया 48, इधर भी जोड़ के लिख दो दोनों को जो भी आपका आंसर बन पाएगा, तो देखना इधर का हो गया बेटा 35 और 8 43, आप कहोगे सर 143.5, ठीक है 143. कितना आ गया आपके पास 5 आ गया, ये 143. कितना आ गया 5। नेक्स्ट अगला इसमें जोड़ोगे तो 48 और 4 52 और 10 62 और 62 में आपने 23 को जोड़ा, 62 प्लस 23 जोड़ा कितना हो गया बेटा 85, तो इसका बन गया आपके पास 85। अब इतनी कैलकुलेशन तो तुम खुद कर लेना यार, इन दोनों को जोड़ना बेटा जितना भी आए 223.5 आएगा सही, जो भी आए इन दोनों को जोड़ लेना वो भी उतना ही आएगा। तो एक बात बताओ, इधर तो तुमने नमक लिया था यार NaCl खाने वाला नमक, और इधर क्या बन गया AgCl बन गया, कहने का मतलब इधर तुमने इस नली में अलग लिए थे रसायन और उस नली में आपको अलग रसायन प्राप्त हुए, लेकिन उनका भार जितना पहले था उतना ही अब है। आप कहोगे सर इसको जोड़ा तो यहां 5 यहां 8 आ गए और यहां 228.5 आ रहे, सॉरी 223 नहीं आएंगे, 228.5 और इधर भी आएगा कितना लगभग 228.5। तो क्या पदार्थ तो तुमने दूसरे बना दिए, क्या AgNO3 से NaNO3 बन गया, NaCl से AgCl बन गया, रसायन बिल्कुल अलग है लेकिन क्या उनका भार बदल पाए तुम, जी नहीं, आप उनका भार नहीं बदल पाए। इसी को क्या कहते हैं बेटा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, ये हमारा पहला नियम खत्म, ठीक है। तो एक बार मैं इसको हटाता हूं, आप बिना देखे बोलो, बोलिए मेरे साथ में, पहला नियम क्या पढ़ा, आप कहोगे सर द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसने दिया बेटा लेवजियर ने दिया। दूसरी बात, इस नियम का प्रायोगिक सत्यापन किसने किया, आप कहोगे सर लैंडोट में, किसमें एच आकार की कांच की नली में। अगली बात क्या बताई, इस तरफ अभिकारक लिए, अभिकारक जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा उत्पाद मिलेगा, और अभिकारक और उत्पाद में क्या हुआ भार नहीं बदला, जितना भार पहले था उतना का उतना भार बाद में था, इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा नियम पढ़ते हैं, आइए दूसरा नियम है बेटा कौन सा यू कह दो स्थिर संगठन का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है, पहला ही बड़ा था अब तो छोटे छोटे, स्थिर
अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, यह है हमारा स्थिर अनुपात का नियम, दूसरा नियम, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया, देखो पहले तो हमेशा ध्यान रखो, छोटे छोटे सवाल कौन सा वैज्ञानिक देता है वो पूछ सकता आपसे, तो ये देने वाला साइंटिस्ट था आपके पास प्राउस्ट। कौन सा साइंटिस्ट था? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्या आपके पास? प्राउस्ट। उस प्राउस्ट नाम के आदमी ने इसको दिया। अगली बात, अब देने के बाद प्राउस्ट ने क्या किया, देखो मैं तुमसे पहले एक छोटी सी बात पूछता हूं। पानी नाम सबने सुना, H2O सुना है भाई, ठीक है। पानी कितने प्रकार का? कोई बच्चा कहेगा सर हम तो पानी कुएं से प्राप्त करते हैं, ठीक है। कोई कहेगा हम तो इंदिरा गांधी नहर का पीते हैं, तो नहर का पानी आ गया। कोई कहेगा हम तो हेडपंप नलकूप का पीते हैं, तो नलकूप आ गया, नलकूप का पानी आ गया। कोई बच्चा कहेगा सर हम तो, हमारे और तो कुछ है नहीं, नाडी है, तालाब है, तालाब वहां से पानी पीते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने कहा सर तालाब का पानी पी लिया, तालाब का, ठीक है। कोई बच्चा कहेगा सर हम तो अभिक्रिया का पानी पीते हैं, अभिकारक लेते हैं और अभिकारक से उत्पाद बना के पानी पीते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया से, तो आप कहोगे रासायनिक अभिक्रिया से, रासायनिक अभिक्रिया से। अरे भाई एक बात बताओ, तुमने इतने स्रोत से, स्रोत तो बदल लिए, स्रोत तो अलग अलग कर लिए, लेकिन पानी को बदल नहीं पाए। पानी का अनुपात हमेशा निश्चित है, कैसे? हाइड्रोजन कितना बेटा? दो। एक हाइड्रोजन का भार कितना होता? एक। तो दो हाइड्रोजन का भार कितना होगा? दो। ऑक्सीजन कितना है बेटा? ऑक्सीजन का भार होता है 16, तो अनुपात क्या हो गया? 2:16। सरल अनुपात करो इनका, तो जब तुम सरल अनुपात करते हो तो क्या पाते हो आप? सरल अनुपात होगा 2:1 और 2:16, 1:8। ये हमेशा निश्चित है, इसी को बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। आ गया समझ में? क्या लैंग्वेज लिखें? लैंग्वेज क्या होगी नोट्स बनाते समय? नोट्स बनाते समय तुम्हारी लैंग्वेज होनी चाहिए क्या? किसी पदार्थ को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए उसके तत्वों का अनुपात या सरल अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। समझ में आ गया दूसरा नियम? नेक्स्ट, तीसरे नियम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखो बेटा, अगला तीसरा नियम क्या है तुम्हारा पास? तीसरा नियम है आपके पास गुणित अनुपात का नियम, यह मोस्ट है, ठीक है। अगला वेरी मोस्ट, गुणित अनुपात का नियम। चलो लिखने से पहले मैं इसका एक क्वेश्चन दे दूं बेटा, जो क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। देखो यहां एक ऑब्जेक्टिव का सवाल दे देता हूं मैं इधर लिखकर। निम्न में से कौन सा गुणित अनुपात के नियम की पालना करता है। ऑप्शन दिए गए बेटा, सपोज करो आपको ये H2O एंड D2O जानते हो, डी एच जानते हो, डी जानते हो, हाइड्रोजन के समस्थानिक है, ठीक है। आगे आएगा सिलेबस में ये, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते बेटा, 1H1, 1H2, 1H3। ये देखो 1H1, 1H2, 1H3 परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस बात का हम स्टडी करेंगे क्या? देखो जिनके परमाणु क्रमांक समान है बेटा, ध्यान दो, 1, 1, 1, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, उसे कहते हैं समस्थानिक, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा प्रोटोन, इसको बोलते हैं ड्यूटेरॉन, और इसको बोलते हैं ट्रिटियम या ट्रिट्रॉन।
ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया आपके पास प्रोटॉन, ये हो गया ड्यूटेरॉन। तो यहां क्या आया बेटा, डी, और डी को बोलते हैं ड्यूटेरॉन। पी मतलब प्रोटॉन, देखो एच आता है तो उसका मतलब होता है पी, और डी आता है तो उसका मतलब क्या होता है, डी, ड्यूटेरॉन, भारी पानी जिसको तुम कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगला दूसरा ऑप्शन आपके पास SO2 एंड SO3, बहुत सरल क्वेश्चन है, बस टेक्निक आनी चाहिए तुम्हें। सी एक दिया आपको क्या NO2 एंड एक दे दिया आपको CO2, और डी दे दिया आपको हम नहीं जानते, या और कुछ लिख दिया हम नादान है, कुछ भी जवाब दे सकता है या और कोई ऑप्शन बना सकता है। तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो फिर को देना, ठीक है। ये कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। अब चलते हैं, इस पहले नियम को समझो बेटा। ये पहले से मैंने इसीलिए दे दिया, पहले से देने का रीजन यही था कि थोड़ी आपको बात पता रहे, तो ये ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, यहां आपके पास क्या बनेगा, गुणित अनुपात का नियम, देने वाला साइंटिस्ट डाल्टन था। कौन था? डाल्टन। डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया, क्या कहा, ध्यान दो, दो तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में क्या होते हैं, संयोजित होते हैं। तो क्या बात ध्यान रखनी बेटा, दो तत्व निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं। कैसे? सरल गणितीय मान में। यही चीज इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, मैंने तुम्हें कह दिया, मैंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दे दिया बेटा, ठीक है। इसमें से एक को फिक्स रखना है, दूसरे को सरल गुणा के रूप में वृद्धि करना है। कैसे? जैसे नाइट्रोजन को मैंने बेटा फिक्स कर दिया, जितना लेना था नाइट्रोजन को एकदम फिक्स कर दिया। सपोज करो N2 ले लिया तुमने, तो बार बार मैं लिखूंगा N2 मतलब N2 सब में नट ले लिया। अब इसका सरल गुणा करो बेटा, ऑक्सीजन को एक बार लिया मैंने एक, तो हो गया एक। एक बार ऑक्सीजन को लिया दो, तो क्या होगा बेटा N2O2। एक बार लिया तीन, तो क्या होगा N2O3। एक बार लिया चार, तो क्या होगा N2O4। एक बार और ले लो, तो क्या होगा बेटा N2O5। यही एग्जाम्पल गुणित अनुपात के नियम को बताता है। अब तुम्हारे दिमाग में फिट कर लो, यहां से जो सीख गया उसको पढ़ने की आगे जरूरत नहीं है। कैसे? इसमें खास बात है, तत्व कितने होंगे बेटा, दो ही होंगे, दो तत्व होंगे। और खास बात, एक तत्व तो चस्केगा ही नहीं, एक तत्व तो हिलेगा ही नहीं, फिक्स एकदम। कैसे? देखो, यहां N2 मतलब ये कैसा है बेटा, स्थिर है, ये कैसा है, स्थिर। और दूसरा चेक करो, ऑक्सीजन एक दो तीन चार पांच, सरल गुणा के रूप में वृद्धि करता है। तो दो तत्व निश्चित अनुपात में होते हैं, जिसमें से एक तत्व तो कांस्टेंट रहता है और दूसरा सरल गणितीय रूप में वृद्धि करता है। किसको बताता है? गुणित अनुपात के नियम को बताता है। कंसेप्ट क्या सीखे बोलो। देखे, शायद आप यह कंसेप्ट सीखे कि सर इसमें दो तत्व होंगे, सही है बेटा। एक तत्व क्या होगा, स्थिर, और दूसरा बढ़ेगा। तो लो आपके सामने एग्जाम्पल पढ़ा, यहां से सीखा, यहां से अप्लाई करो। देखे, पहली बात, इसमें तुम कहोगे सर दो तत्व, हाँ हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, लेकिन यहां तो डी है, यहां ओ अलग अलग आ गया, जी नहीं, ये तो उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखो, चेक करो, दूसरा आपने चेक किया सल्फर, इसमें भी सल्फर, हाँ सेम है। इसमें क्या बेटा, ऑक्सीजन, और इसमें क्या, ओ थ्री, यस, यही आंसर हो गया। कैसे? एस, और इसमें भी एस, तो कांस्टेंट है कि नहीं है, एस और एस तो नियत है, और यह चीज क्या हो रही है, सरल गुणा के रूप में वृद्धि कर रही है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, यह सही हो गया। बोलो, समझ में आ गया सबको, कौन सा रूल था हमारा, ये तीसरा, गुणित अनुपात का नियम। अगला चौथा ले लेते हैं अपन, नेक्स्ट अगला लीजिए आप चौथा। तो नेक्स्ट चौथा रूल आपने लिया बेटा, चौथा, ठीक है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम या इसको तुल्य अनुपात का नियम भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, तुल्य अनुपात का नियम,
ठीक है, इसको कहते हैं हम क्या, तुल्य अनुपात का नियम भी कहते हैं। अब देखो तुल्य अनुपात का नियम देने वाला साइंटिस्ट था रिचटर, किसने दिया था ये, देने वाला साइंटिस्ट रिचटर, रिचटर नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया। अगली बात, अब इसमें और तुल्य अनुपात में क्या फर्क है, उसमें आपके पास दो तत्व मिलते थे लेकिन इसमें कितने मिलेंगे बेटा, तीन तत्व मिलेंगे। तो आप क्या कहोगे, इसमें तीन तत्व आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं जिनमें क्या होगा, जिनमें किन्हीं दो का अनुपात तीसरे के अब डॉट 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 क्या, किसी तीसरे के क्या हो सकता है, या किसी तीसरे के, इसका मतलब है तीसरे के बराबर हो सकता है, ठीक है, उसका आधा हो सकता है या उसका गुणित रूप हो सकता है। इसे कहते हैं हम व्युत्क्रम अनुपात का नियम। जैसे हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी, अब इसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे तीन यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपस में सपोज करो बेटा मिल गए और इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया, तीन यौगिक बनाए। कौन कौन से तीन यौगिक, सपोज करो इसने मिलकर बनाया CO2, इन दोनों ने मिलकर बनाया CH4, इन दोनों ने मिलकर बनाया H2O, और तुमसे कहा कि बताओ क्या यह सरल अनुपात के नियम की या व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पालना करते हैं क्या। तो आप एक काम करो, इसके लिए तुम्हें देखो बेटा परमाणु भार याद होना चाहिए। कैसे, कार्बन का भार कितना होगा, कार्बन का परमाणु भार कितना होगा अपना 12, तो कार्बन का कितना हो गया बेटा 12 अनुपात। हाइड्रोजन का कितना हो गया, एक हाइड्रोजन का एक, तो 4 का कितना होगा 4। नेक्स्ट, इसका भी मैंने आपको पढ़ाया ही था, हाइड्रोजन का कितना हो गया बेटा 2, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16। नेक्स्ट CO2 का बताओ, कार्बन का कितना बेटा 12, कार्बन का यहां 12 लिया था, ऑक्सीजन का एक का कितना होगा 16, तो 2 का कितना होगा 32, तो अनुपात कितना हो गया 32। अब सब बच्चे इसका सरल अनुपात करके देख लो, जैसे ही तुम इसका सरल अनुपात करोगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 12 तो कितना आ गया अपना 3:1। नेक्स्ट, इसका कितना होगा बेटा 2×1 = 2 और 8×2 = 16, इसका कितना आ गया 1:8। नेक्स्ट, इसका कितना आया बेटा 4×3 = 12 और 8×4 = 32, तो यहां आ जाएगा 8, तो यह आ गया 3:8। तो जरा मुझे बताओ, जरा मुझसे डिस्कस करो, क्या यह इस नियम की पालना करता है, जरा चेक करो। गांव की दो छोटी रोडें शहर की एक रोड में मिल जाए, शहर की दो छोटी रोडें किस में मिल जाए, हाईवे पर मिल जाए, तो वो आपका क्या है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम है। कैसे, गांव की दो रोडें मतलब, जैसे इन दो का अनुपात तुमने देखा बेटा, तो इसमें आगे कितना है 3, इसमें आगे कितना है 1, गुणा करो 3×1 = 3 अनुपात, इसका पीछे कितना है 8, उसका पीछे 1, इसका 1 और इसका 8, तो क्या हो गया 8×1 = 8। तो जब तुमने इन दोनों लाइनों को मिलाया बेटा तो आंसर कितना आया 3:8, और इस अकेली का अनुपात कितना है बेटा 3:8, तो 2 का अनुपात तीसरे के बराबर आ गया। यस, दैट मीन्स क्या है आपके पास, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अगर यही अनुपात ऐसे होता ना बेटा, जैसे इसका तो आ गया 3:8 और इसका उत्तर आ जाता सपोज करो 3:16, तो क्या ये होता, जी हां होता, क्योंकि ये गुणित अनुपात हो गया ना, 8 का डबल कितना हो गया 16। ठीक है, ये हमारा हो गया व्युत्क्रम अनुपात का नियम। नेक्स्ट, अगले दो छोटे छोटे नियम है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं इसमें अपन, तो चलिए आगे। नेक्स्ट, अगला देखिए आप यहां से, अगला पांचवा नियम हो गया हमारे पास गेलुसोक का आयतन संबंधी नियम, गेलुसोक का आयतनी नियम,
आयतनी नियम, और सबसे लास्ट में होता है आपके पास कौन सा, अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास अवोगाद्रो का नियम, और ये हो गया गैलुसोक का आयतन संबंधी नियम। चलो दोनों पर चर्चा करते हैं। देखो ये तो गैलुसोक का नियम तो सिंपल सा है, जैसे मैंने कहा तुमने H2 गैस को और I2 गैस को मिलाया बेटा, तो इससे क्या बन गया तुम्हारा 2HI मिल गया। ध्यान दो, आगे टॉपिक आएगा मोल, उस मोल में आपको यहां पता करना है कि कितने कितने मोल है। तो बताओ हाइड्रोजन के आगे कितना लिखा हुआ है, आप कहोगे सर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसका एक मोल है। इसके आगे बेटा कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब इसका कितना मोल, एक। इसके आगे कितना मोल, दो मोल। तो देखो गैलुसोक ने क्या बोला, गैलुसोक का नियम गैलुसोक ने ही दिया था, और क्या बताया इन्होंने कि हाइड्रोजन का एक आयतन किससे, आयोडीन के एक आयतन से मिलकर क्या बनाता है बेटा, HI का दो आयतन बनाता है। HI का कितना बनाता है, दो आयतन बनाता है। इसी को गैलुसोक का आयतनी संबंधी नियम कहते हैं, ठीक है। तो सीधी सीधी घटना हो गई, कोई रासायनिक अभिक्रिया आपको दे और रासायनिक अभिक्रिया दे आपको, और देने के बाद सीधा सीधा क्या हो कि इसका जो आयतन है इसके आयतन के बराबर होता है, इसी को बोलते हैं गैलुसोक का आयतनी संबंधी नियम। नेक्स्ट अवोगाद्रो का नियम सीधा सीधा V प्रोपोर्शनल टू N होता है, ध्यान रखना न्यूमेरिकल कंसेप्ट में काम आ सकता है। बात तो वही है कि देखो बेटा यहां आयतन शब्द, यहां आयतन शब्द, यहां आयतन शब्द आया, और आयतन किसके समानुपाती होता है, मोलों की संख्या के। लेकिन यहां क्या तुम्हारे को आयतन और ताप दिया है क्या बेटा, नहीं दिया, तो आप सीधा सीधा कह दो कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर, मतलब स्थिर ताप व दाब पर, स्थिर ताप व दाब पर। तो सीधा सीधा बोल दो स्थिर ताप व दाब पर किसी गैस का आयतन उसके मोलों की संख्या के समानुपाती है। मतलब मोल देखो बेटा, यहां मैंने आपसे क्या बोला था, यहां इस डायग्राम में आपको क्या बोला था, इसका एक मोल, इसका भी एक मोल और इसका दो मोल। तो एक मोल किसमें कन्वर्ट हो गया, आयतन में। एक मोल किसमें बदल गया, आयतन में। दो मोल किसमें बदल गए, आयतन में। इसका मतलब चाहे मोल कहा जाए चाहे आयतन कहा जाए, अवोगाद्रो के नियम के अनुसार दोनों ही सही है। ये आपके पास हो गए लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। यहीं तक करते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि फिर लंबी क्लास होगी, अच्छा नहीं रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।